जागृता चा ब्रह्मच्युत शंकर प्रभु श्री फ्रेंड्स नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड ए न्यू वीडियो। देखिए सुबह सुबह आज मैं बहुत जल्दी उठ गई हूँ, मतलब 5 बजे से उठ गई हूँ। अपना एक्सरसाइज और सुबह का थोड़ा काम था उसको ख़त्म करके मैं सीधा चली गई अपनी बगीचे की ओर। बहुत सारा फ्रेश हिबिस्कस वहाँ पर आ गया है, मतलब गर्मी का दिन आ रहा है, बहुत ज़्यादा फूल वैसे भी उग रहे हैं पेड़ में, तो नए नए पत्ते भी आए थे तो उसको बहुत सारा लेके आ गए। और उसको जा रही हूँ हिबिस्कस का एक अच्छा वाला हेयर पैक बनाऊँगी। और देखिए फ्लावर मैंने लगभग 15-20 फूल हिबिस्कस का और उसका जो पत्ता है उसको मस्त एक साथ मिला के, और मेथी का पानी हम लोग रोज उबला हुआ पानी पीते हैं और उसमें थोड़ी करी पत्ता डाल के मैंने उबाल लिया था, वो पानी भी और मैंने हम लोगों ने पी लिया है। वो भी सब एक साथ डाल के, मतलब पत्ता, फूल और मेथी है ना, और करी पत्ता वो सब डाल के एक हेयर पैक मैंने बना लिया है। और उसको मैं फाइनली थोड़ा ग्राइंडिंग करके उसमें थोड़ा एलोवेरा जेल मिलाऊँगी और उसको मैं जा रही हूँ अपने बालों में थोड़ा अप्लाई कर लूँगी। और ये प्रोसेस मैं आपके साथ बहुत बार शेयर भी कर चुकी हूँ। एक्चुअली ये थोड़ा बालों में डैंड्रफ का प्रॉब्लम होता ही रहता है तो इसलिए मैं इसको रेगुलरली यूज़ करती हूँ। तो ये मेरा 5 बजे का वीडियो है। जैसे कि आदिका आजकल एग्ज़ाम चल रहा है तो वो 4 से उठ जाता है, 4 बजे से उठकर वो पढ़ाई कर लेता है। अभी 5:15 हो गया है और अभी वो थोड़ी योगा अभ्यास कर रहे हैं। मैं उसको एक्चुअली 4-5 स्टेप सिखा दिया है योगा का और कुछ मुद्राएं, कुछ आसन सिखा दिया है ताकि उसका माइंड और मतलब कंसंट्रेशन बना रहे, मतलब पढ़ाई में, मतलब इधर उधर उसका फोकस ना जाए। इसलिए देखिए मैं उसको ये स्टेप जो है, ये है पश्चिम उत्तासन, मैंने उसको सिखाया है। ये थोड़ी गड़बड़ी कर रहा है फिर भी कर तो रहा है, तो पहले ये स्टेप कर लेगा फिर मैं एक और स्टेप्स आपको दिखाऊंगी। ये आसन के बाद अभी ये कर रहा है कपालपाति क्रिया कर रहा है। कपालपाति में जो फ़ायदा है जो मैंने फिर से आप लोग सबको लगभग पता ही होता है क्योंकि बहुत सारे डिजीज़ इसमें क्योर हो जाते हैं हम लोग का। मैं पर्सनली भी ये अपना लाइफ में ट्राई कर चुकी हूँ, मुझे इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले हैं। अब भी मैं रोज़ उठ के ये सब योगा प्रैक्टिस करती हूँ। तो ये उसको सिखा दिया है सिर्फ और सिर्फ, मतलब ब्रेन तक उसका बहुत सारा ऑक्सीजन जाए, जैसे कि दिमाग में कुछ भी इधर उधर का चीज़ें ना घुसे और उसका माइंड सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में मना लगा रहे और इधर उधर का चीज़ जो भी ब्रेन में हम लोगों का आता है वो आए के, और फिर इस तरह का रेगुलर योगा प्रैक्टिस करने से वो खुद ब खुद ही चला जाता है और माइंड मतलब एकदम से स्थित प्रज्ञ हो जाता है वो। इसलिए जैसे कपालपाति और अनुलोम विलोम मैंने सिखा दिया है और वो भी बैठ के देखिए काम कर ही रहा है। पहले देखिए 2-3 स्टेप्स मुझे आसन और योगा करने के बाद इसको फाइनल मैंने सिखा दिया है एक मुद्रा, इसका नाम है हाकिनी मुद्रा। बहुत ही शांत मुद्रा है और इसको मेडिटेशन के साथ करना है, जैसे आपका मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन, फोकसिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। आप ना खुद कभी आपके घर में कोई बच्चा हो और आप खुद भी 10-15 दिन करके देखिएगा इसका रिजल्ट क्या है। बस शांत से बैठ के स्ट्रेट आप फिंगर के टिप को एक के साथ एक जुड़ के, जैसे चेस्ट के नीचे अब इस हाथ को ऐसे रख के 5 मिनट तक उस ध्यान मुद्रा में बैठना है। और इससे दोस्तों आज का वीडियो मैं अभी सुबह थोड़ा शूट किया था और अभी आज काम की वजह से दिन में कुछ शूट नहीं कर पाया, अभी शाम को ही शूट कर रही हूँ। और चलिए दोस्तों आदि का एग्ज़ाम है, सब कुछ मतलब इधर उधर होके पड़ा है, ना भी योगा स्केड्यूल रहता है ना कुछ, तो दोस्तों इसलिए छोटा छोटा वीडियो ही दे रही हूँ, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं हो पा रहा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आज बस एक सिंपल सा अंडा करी ही बना लेती हूँ और रोटी के साथ डिनर में खाना है क्योंकि सुबह आदि का एग्ज़ाम है तो इसलिए कुछ भी लफड़ा वाला खाना करने का मन नहीं है। तो सिर्फ अंडा था घर में, मैं बोली तो हस्बैंड भी नहीं खाएंगे तो बच्चों के लिए और मेरा, हम तीनों ही खाएंगे, तो थोड़ी अंडा का करी बना दूंगी और रोटी हो गया है, बस इतना ही सिंपल सा खाना मेरा बन गया है। और अभी जा रही हूँ आंटी आएगी ट्यूशन से, उसके साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। तो चलिए दोस्तों
मामा आदि देखे आ गया। अरे खुशी कह रहे हैं, ए सीधा रखो साइकिल ऐसे। ये देखिए दोस्तों, फाइनली मेरा अंडा का करी बन गया और रोटी बन गया। अभी जा रहे हैं डिनर करेंगे। और आदि भी ट्यूशन का क्लास था, ये ख़त्म करके आ गया है। क्या कर रहा है ये अभी? ये इसका टिफिन हो गया, ये अपना स्टाइल में टिफिन बना रहा है। और चलो चलो इसको लेके खाते हैं। तो मेरे डिनर का अभी काम ख़त्म हो गया और बाहर हम लोग बैठे हैं। तो थोड़ा उबला हुआ अंडा ये क्या अपना तरीके से बना के लिया है, अभी थोड़ा इसको खा लेंगे। चलो खाओ। और खुशी के देखिए इसमें थोड़ा प्याज डाल दी है और खुशी कैसे खाएगी अभी, क्या करे हैं सारा खाओ। ये दो मेरे, हाँ एक तेरा नन्ना का सारा। खाओ खुशियाँ, अभी रोटी और अंडा खाएगी। अभी से खा रही है बॉयल एग। कितना अंडा खाएगी आज दिन में हैं? दिन में आज हम लोग ने चावल और मछली खाया था, ये दिन में अंडा खाया। और शाम को भी, अभी शाम नहीं हुआ, अभी रात का 9 बज रहा है, अभी अभी अंडा खाया, फिर डिनर में भी अंडा खाएगी। ये लड़की अंडा और चिकन के अलावा कुछ भी नहीं खा रहे। छोड़िए, तो अभी यहाँ पर थोड़ा हम बाहर बैठ रहे हैं। देखिए हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है और अच्छा लगता है हम लोगों का। रात में यहाँ पर काफ़ी ओपन स्पेस है, अच्छा लगता है। और वैसे भी एग्ज़ाम है आदि का, ये अभी ट्यूशन से आके थोड़ा मतलब लीजर टाइम है, आधा घंटा है, एक घंटा थोड़ा नाप ले लेगा, फिर खासते भी एग्ज़ाम के टाइम में दिमाग बिल्कुल हल्का फुल्का रहना चाहिए और ओपन रहना चाहिए। ज़्यादा क्या खा रहे हो? ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा तो जो भी मतलब पढ़े हैं सारा भूल जाएंगे। उसको दो, नहीं नहीं ना दो, तो मुझे नहीं खाना है उसका है, मुझे अभी रोटी और अंडा करी खाना है। और खुशियाँ मैं आप लोगों को कुछ सुनाएगी। मामा तो जो स्कूल में, इसका स्कूल में ना बहुत अच्छा भजन, मतलब डेली वहाँ पर जो सरस्वती विद्या मंदिर में ना डेली बहुत भजन, हाँ डेली डेली सरस्वती भजन बहुत अच्छे से गाया जाता है। और मुझे लगा इसको याद नहीं होगा, बहुत अच्छा। जासे तपत मासना जा बीणा बोर दंड मंडित करा जासु प्रपोसा घृता जा ब्रह्मच्युत शंकर प्रभु शिवी देवता सामं पातु सरस्वती भगवती दिशे सजाड़िया वहा सरस्वती महाभाग्य विद्य कोमल लोचने विशल रूप विशलाती दिव्य देही नमस्तुते ओम शांति शांति शांति। इतना सारा याद है, मुझे लगा याद नहीं होगा इसको। और जो दूसरा गाया जाता है मम्मा, और एक दूसरा भजन में ये गाया जाता है फास्ट हो गया। ओम गजननम भूतगणा विषे विदं याद नहीं आ रही इसको। चलेगा चलेगा। गजननम भूतगणा विषे विदं पपीता जाम कोला चारु बक्षणम मूम सोत सकोपिना सकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम नमो गणेशा विघ्नेशा गिरीजा नदन प्रभु नम विघ्ना विनाशाय गणाधिपताय नम ओम शांति शांति शांति। और याद नहीं इतना? और तू बोल, तेरा एग्जाम है परसों है इसका एग्जाम, कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है, प्रेशर या हल्का फुल्का, क्या लग रहा है? प्रेशर क्यों, फास्ट पेपर क्या है? अब प्रेशर देखो, ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब ज़्यादा प्रेशर लेने से ना जो पहले से पढ़े हो सब भूल जाओगे, इसलिए माइंड को रिलैक्स रखो, काम रहो और पढ़ो और एग्ज़ाम के बारे में सोचो। ऐसे मुझे अच्छे से लिखना है, अच्छे से करना है ना। हाँ तो ये दोस्तों था आज का मेरा छोटा सा वीडियो।
इसमें मैंने मतलब स्कूल गोइंग बच्चों के लिए मैंने कुछ योगा और प्राणायाम का ये छोटा सा स्टेप मैंने आपको दिखाया है। एक्चुअली मैं ये अपना रियल लाइफ में भी ट्राई कर चुकी हूँ, ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहा है मेरे लिए। मेंटल पीस जब भी डिस्टर्ब होता है और फोकस नहीं रहता है किसी चीज़ में काम करने के लिए ना, तब ये बहुत मतलब एक ब्लेसिंग की तरह है। मैंने ये अपनी लाइफ में जैसे कि कोई हेल्थ इश्यू हो या फिर कोई मेंटल स्ट्रेस हो, तब मैं ये ट्राई कर चुकी हूँ और मैं एक रेगुलर भी अप्लाई कर रही हूँ। तो इससे कुछ स्टेप्स मैंने आदि को सिखा दिया है, वो रेगुलरली कर भी रहा है आजकल एग्ज़ाम के पहले का जो स्ट्रेस है उसको कम करने के लिए और उसका मतलब मन पढ़ाई में बना रहे, इसके लिए ये मेरा छोटा सा अटेम्प्ट है। उम्मीद है आपको ये मतलब कुछ लोगों के ये ज़रूर हेल्पफुल रहेगी। अरे आपके आसपास भी कोई बच्चा हो या फिर घर में भी कोई इसी तरह इस सेम एज का बच्चा हो तो आप इसको ट्राई कीजिएगा, ये सब स्टेप्स उसको सिखाने के लिए, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ ना बच्चों का भी टीन एज में बच्चों का मेंटल पीस रहना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अंदर उन लोगों का बहुत कुछ चलता रहता है। जैसे हम सब ने वो स्टेप पार करके आ गए हैं, तो इसीलिए चलिए दोस्तों, उम्मीद है मेरा आज छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एंड एक्चुअली आदि का एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम की टेंशन में मैं रेगुलरली वीडियो नहीं ला पा रही हूँ, तो इसके लिए आप लोग होप आप सब समझेंगे। बस एक बार एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तब मेरा वीडियो रेगुलर हो जाएगा। तो चलती हूँ दोस्तों, वीडियो का ही एंड करती हूँ आपके साथ, और एक वीडियो में मिलूँगी। तो के लिए थैंक यू, बाय एंड जय जगन्नाथ।